Hello student, are you able to listen to my voice and PPT on your screen? Are you seeing? Hello, so someone asked, give the answer. Are you able to see the PPT and my voice to listen? बच्चों आप पीपीटी और ये मेरा आवाज सुनाई दे रही है? यस यस ओके हेलो आवाज आवे मैडम? हाँ आवे छे ओके मैडम बैकग्राउंड में बहुत खराब साउंड आवे। हेलो हेलो तो लास्ट अब आप सब अपने आप को म्यूट कर दो। तो हमने कल सेट के बारे में कुछ पढ़ा था। सेट क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स को मेंबर्स कहते हैं, जो सर्किट का कलेक्शन होता है वो कुछ डिफाइन होता है, इससे कुछ आउटपुट निकले ऐसा होता है। सेट के अंदर के एलिमेंट को और थ्री डॉट को हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। सेट के एलिमेंट इनफाइनाइट है ऐसी बात बोली थी। ये तीनों सिंबल जिसका मीनिंग भी हमने लास्ट में पढ़ा था, what is the meaning of the belongs to and not belongs to. belongs to का meaning है कि जो element belongs कर रहा है वही set में। what is the mathematical denoted by, yes yes आप बोलो। yes ना, तो कोई सेट बिलोंग्स कर रहा है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं। उसके बाद एन सेट के बारे में देखा था, इस कॉल्ड द नेचुरल नंबर। यस मैम, यस क्या अभी की लेक्चर ना छोड़ पाछे करो ये। हाँ सेकंड सेट इज अ होल नंबर हुज एलिमेंट आर जीरो टू टेंस टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये दो सेट के बारे में बात की थी और सब सेट क्या होता है वो भी आपको पता था कि आपको दो सेट लेने हैं। अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरीके से समा रहे हैं उसको हम कहते हैं सबसेट, और इसका मैथमेटिकल सिंबल है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि डेफिनेशन कैसे समझते। तो ए में हमने तीन एलिमेंट लिए हैं, बी में हमने टोटल फाइव एलिमेंट्स लिए हैं। तो अब देखो ए के सारे एलिमेंट बी में समा रहे हैं, सो इसको मैथमेटिकली हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब एक डायग्राम के बारे में, हम हर बार ए और बी ऐसे अलग अलग नहीं लिखते, इसको डायग्राम के फॉर्म में ही लिख देते। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि पहली जो फिगर्स है उसमें ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और बी के एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक के सारे पॉजिटिव नंबर। सो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिख रहा है ना, ए का हर एक एलिमेंट बी में आ रहा है।
अब अगर डे टू डे लाइफ में आप बोले तो अगर मैं आपको समझाऊं कि आप एक कोई फैमिली में बिलोंग्स कर रहे हैं, आप फैमिली के मेंबर हो एक। सो अगर कोई पर्सन की बात करें, वो उसके फैमिली में आ रहा है, सो दैट पर्सन इज अ सबसेट ऑफ दैट फैमिली। सो डे टू डे लाइफ में अगर आप बोले तो यू आर द सबसेट ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, यू आर द सबसेट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, बिकॉज आप लोग उसमें आ रहे हैं। तो इसको हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, सबसेट को क्या बोलते हैं कि वो नंबर उसमें समा रहा है। ऐसे चार फिगर के बारे में पढ़ रहा था, सो हम कह सकते हैं एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, बिकॉज एन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वन से लेके फोर तक के, दिस इज अ नोट ऑफ फोर टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर सारे के सारे वर्ल्ड नंबर में आ रहे हैं, और वर्ल्ड नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया जीरो। ये सब हमने इस प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, पर ये रिवाइज इसलिए किया है कि हमारे लिए फंक्शन में रियल नंबर क्या है वो जानना जरूरी है। अब हमने पॉजिटिव नंबर कलेक्ट कर लिए, पॉजिटिव में जीरो भी कलेक्ट कर लिया, उसके बाद थोड़े आगे चले तो हमें कुछ नेगेटिव नंबर मिले। उस नेगेटिव नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज ऑल्सो एक्स्ट्रा लाइन, उसको ड्रॉ करनी है। जेड को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? पॉजिटिव नंबर तो आएंगे ही, जीरो भी आएगा और उससे एक्स्ट्रा नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। तो जेड के एलिमेंट्स बने और ये सारे के सारे इनफाइनाइट तक है, कोई लिमिटेड नहीं है। हाँ, फिगर में थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, बट इस गोज टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव भी इनफाइनाइट, नेगेटिव भी इनफाइनाइट। तो हमने तीन टाइप के नंबर देख लिए, पॉजिटिव ले लिया, जीरो ले लिया और नेगेटिव नंबर। अब कोई बोले जीरो पॉजिटिव है या जीरो नेगेटिव है? जीरो इज अ जीरो, जीरो न्यूट्रल नंबर है, इसको नहीं पॉजिटिव साइन लगती, इसको नहीं नेगेटिव लगती। अगर आप कोई नंबर है दो, दो में जीरो को ऐड करो तो उसका नंबर भी आंसर दो ही आएगा। अगर दो में से जीरो को रिमूव करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो भी उसका आंसर क्या आएगा? टू। सो टू डजंट मैटर पॉजिटिव या नेगेटिव, टू इज अ न्यूट्रल नंबर। सो इंटीजर में हमने इतने सेट देख लिए, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। सो हाँ मैडम, बोलो बच्चा। એમ પૂછે કે ઝેડ માં કયા નંબર આવે, તો આપણે એમ કહેવાનું કે નેગેટિવ માં ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી કે ઝીરો ની બધા કહેવાના? અગર આપકો ક્વેશ્ચન પૂછે કે ઝેડ મે કોન કોન સે એલિમેન્ટ આપ લાતે હે, તો આપકો યે લિખના હે સિક્વન્સ કે ફોર્મ મે, કે ઝીરો બીચ મે આયા, હમ નંબર લાઇન પે જાતે હે ના, હા ઝીરો બીચ મે આતા હે, ઉસકે સાઇડ મે પોઝિટિવ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઓર લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ મે આતે હે નેગેટિવ નંબર। ઓકે હા, એ બધું કહેવાનું ને ભાઈ, બાજુ ઇન્ફાઇનાઇટ, હા સિર્ફ ઇતને હી લિખના હે કે ઝેડ મે કોન સે આસે, તો તીન તક લખો, ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, તીન ડોટ દિખા દો, તીન ડોટ સે ઉસકો પતા ચલ રહા ચલ જાતા હે કે હમારા નંબર કહા જા રહા હે, ઇન્ફાઇનાઇટ તક। એસે હી નેગેટિવ સાઇડ પે ભી દે દો ઇન્ફાઇનાઇટ, બીકોઝ કોનો આપકો અગર પૂછે કે કોઈ નેગેટિવ છોટે વાલા યા સબસે બડા વાલા નેગેટિવ કોન સા હે, તો આપ હેલો ચલો મે આપકો ક્વેશ્ચન પૂછતી હું સબ કે લિયે। એ નંબર લાઇન હે આપકે પાસ, सबसे जीरो को रिमूव करके सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, जीरो भी नहीं इंक्लूड करते हैं हम, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा वन, सबसे छोटे वाला पॉजिटिव नंबर वन। अब अगर मेरे को सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा है? वी कांट डिफाइन, बिकॉज सबसे बड़ा अगर मैं कोई भी एक नंबर बोलूँ, आप उसमें वन ऐड करके उसको आगे ले जा सकता हूँ, भाई चल ले जा सकते हो, तो इसलिए आपको सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिलता है, जीरो इज अ जीरो। अब और दूसरा भी क्वेश्चन ऐसे निकल सकता है कि सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नेगेटिव नंबर इन द इंटीजर। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है माइनस वन। हम लेफ्ट हैंड साइड में चाहते हैं और राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर ऐड होते हैं, एक से बड़े होते हैं, और नेगेटिव साइड में छोटे नंबर होते हैं। माइनस टू इज अ लेस देन माइनस वन, माइनस टू ये माइनस वन से छोटा है, तो सबसे बड़ा नंबर हुआ नेगेटिव में माइनस वन। अभी इंटीजर की बात करें ना, इसलिए तो सबसे छोटे से छोटा इंटीजर आपको कौन सा मिल सकता है नेगेटिव में, तो वो भी हम कह नहीं सकते। अगर मैं माइनस टेन बोलूँ
तो कोई बोलेगा मैंने डम माइनस 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टेन तक माइनस 10 सो इज राइट। आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही यहाँ से निकल जाता है कि z में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो आपको लिखना है जीरो, एक सीरीज बता दो, जीरो दो तीन नंबर पॉजिटिव लिखो, दो तीन नंबर नेगेटिव लिखो, बट ये नंबर सीक्वेंस में ही निकले हैं कंटिन्यूसली, ऐसे नहीं कि जीरो लिखा फिर विन वन फिर बाद में लिख लिया फाइव, कंटिन्यूसली सीरीज के फॉर्म में सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। तो हमने इतने सारे सेट देखे, नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के सबसेट है, समझ गया कैसे सबसेट है, एन के सारे एलिमेंट डब्ल्यू में आ रहे हैं तो एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू का जितने भी एलिमेंट है वो जेड में आ रहे हैं, सो इज अ सीक्वेंस, एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ सेट। यहाँ तक क्या आई थिंक हमने बात कर ली थी, अब उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, उसका सिंबल है क्यू, और उसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं वो भी देख लो, उसमें ए अपॉन बी के एलिमेंट आते हैं, ए अपॉन बी का मीनिंग क्या है पहला वो देख लो, हमारे पास ए और बी, ए न्यूमरेटर में बी डिनोमिनेटर में अंश और छेद की बात कर रहे हैं, और आपको एक स्ट्रिक्टली कंडीशन फॉलो करनी है, ए और बी इंटीजर है, इंटीजर का मीनिंग ए और बी आप जेड में से ले सकते हैं, बट बी को कभी भी जीरो नहीं लेना, स्ट्रिक्टली यू मस्ट फॉलो दिस नॉट्स, बी डजंट जीरो, व्हाई, अगर आप डिनोमिनेटर में छेद में जीरो रखोगे तो आपका टर्म डिफाइन ही नहीं होगा, अनडिफाइन होगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा, तो आपको न्यूमेरेटर कुछ भी ले सकते हो, बट डिनोमिनेटर, हाँ बोलो, हेलो, यस हेलो, हमने रिक्वेस्ट मोकले थे स्टूडेंट पार्ट्स पर ही नहीं सही मोकले थे हमने रिक्वेस्ट एक जॉइन था हमारे तो ये जो नहीं कह सकते ना एक मिनट ओके पार्ट यू गॉट इट हो गए जब सब ज्वाइन 15 स्टूडेंट है ओनली ना ओन प्रेजेंटेशन क्यू के बारे में बोले तो क्यू में हमारे पास ऐसे नंबर है जो ए अपॉन बी रेशनल फॉर्म में होते हैं जिसके कुछ न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दिए है फाइव, किसी के भी डिनोमिनेटर में वन हो तो उसका आंसर वही नंबर आता है, या कुछ मिक्स रेशनल नंबर है एक पॉइंट में भी नंबर है, और ए सीक्वेंस जो बार दिखा रहे लिए ना उसका मीनिंग है ए सिक्स कहाँ तक इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो हम शॉर्ट में उसको बार के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्यू में हमने कैसे नंबर लिए ए अपॉन बी के फॉर्म में जिसका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है ए अपॉन बी के फॉर्म में भी आ सकता है, पर बी कभी भी जीरो नहीं लेना, आपको क्यू के बारे में पूछे तो सिर्फ यही स्टेटमेंट लिखना है ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर बट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। Now the next. अब हम किसी भी नंबर के न्यूमेरेटर में अगर जीरो हो तो उसका आंसर जीरो होता है, ये सब बेसिक नॉलेज है, फिर भी एक बार बता देती हूँ, किसी के डिनोमिनेटर में यानी कि छेद में वन हो तो उसका आंसर भी वही नंबर आता है, अगर एट अपॉन वन इज एट माइनस एट अपॉन वन ऑल्सो माइनस है, ये सारे के सारे क्यू में आ रहे हैं, क्यू में वन है माइनस वन है
डेसिमल वाले है, फ्रैक्शन फॉर्म है, और ऐसे नंबर के जो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं 1.33333, तो इसको हम 1.3 बार लिखते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव इतने सारे के सारे एलिमेंट क्यू में आते हैं, आपको सिर्फ लिखना इतना ही है क्योंकि डेफिनेशन क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड उसमें आते हैं ए अपॉन बी व्हेन ए एंड बी आर इंटीजर। इंटीजर का मीनिंग ए और बी हम जेड में से कोई भी एलिमेंट ले, बट बी को कभी भी जीरो नहीं लेना है। एक क्यू के एलिमेंट, अब क्यू के सारे एक सिक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। अब देखो क्यू में हमने कितने आए, जीरो भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए और डेसिमल वाले एक्स्ट्रा आ गए। इसको हम इसको सबसेट के फॉर्म में लिखते हैं, क्यू में पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है, सो एन इज सबसेट ऑफ, इतना तो था ही, तो क्यू भी इसका सबसेट बन गई। अंडरस्टैंड, एक सीक्वेंस बढ़ रही है, कुछ नया ये हुआ तो उसको उस चेन में ज्वाइन कर दिया। अब उससे सबसे इम्पोर्टेंट ये आते हैं इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है वो आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, तो उसमें आता है आपका पहला ही यूनिट रियल नंबर, रियल लाइफ। इरेशनल के बारे में बता देती हूँ, ये इरेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस अगर मैं पूछूँ आपको तो आपको क्या बता रहा है, ये जो नीचे की जो लाइन है ना, अभी मैं एरो दिखा रही हूँ, वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में जो अब देखो क्या कर सकता है, डेसिमल के बाद वो सीक्वेंस खत्म हो जाती है, और अगर खत्म नहीं होती तो कंटिन्यूसली हम नंबर को रिपीट करती है। दिख रहा है ये सभी डेसिमल के बाद, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो गई। तो रेशनल नंबर में हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, और डेसिमल के बाद अगर खत्म ना हो तो सेम रिपीट होते हैं, कंटिन्यूसली वही नंबर रिपीट होता है। सो इज अ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो हमारे पास क्यू में दो टाइप के एलिमेंट है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसका थोड़े समय के बाद सॉल्यूशन मिल जाता है, रिमाइंडर जीरो मिल जाती है, और ये ऐसे नंबर है जिसकी रिमाइंडर जीरो नहीं मिलती पर ये कंटिन्यूसली सेम ही नंबर रिकरिंग करते हैं, एक ही जैसे नंबर वो चेंज होते हैं। तो हमारे पास क्यू ये है, पर रेशनल नंबर क्या है, क्यू से अलग ये पाई है। पाई की वैल्यू देखो पॉइंट के बाद, कोई भी नंबर ऐसा है कि जो कंटिन्यूसली एक ही नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, नहीं, आप इनफाइनाइट तक जाओ पाई के लिए, पाई की नंबर कंटिन्यूसली चेंज ही होती है। तो इस कुछ नया नंबर आया तो इसको रेशनल सेट में दे दिया, इरेशनल सेट में, बिकॉज रेशनल तो पहले ही डिफाइन हो गया था, रेशनल में आते हैं पॉइंट के बाद कुछ नंबर जो अगर टर्मिनेट हो जाते हैं उसके रेडियस जीरो, सॉरी रेडियस, उसकी रिमाइंडर जीरो आ जाती है। और ये ऐसे नंबर है इसकी रिमाइंडर एक तो कभी जीरो नहीं आती और एक कभी भी एक ही सीक्वेंस में आगे बढ़ते नहीं है। उसके बाद आते हैं ई। ई भी अब इसको हम पूरा लिख तो नहीं सकते, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेट सपोज कर लिया। पाई इज अ 3.14 ले लिया, ई इक्वल टू हमने लिया 2.71, और अंडर रूट 2 को हमने ले लेते हैं 1.41। ये सारे इरेशनल नंबर है। अब दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया, रेशनल और इरेशनल का, रेशनल में कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल में कैसे होते हैं। और ये इरेशनल नंबर सबसे अलग है, ये किसी के भी सबसेट नहीं है, इसको अलग ही हमने डिफाइन किया है। ये देखो ये पाई ई और टू, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो हमने एन जेड क्यू आर में देखे है, नहीं है। सो इरेशनल नंबर एक नया ही सेट है। अब आपको एक गोल्डन रेशियो के बारे में पता है, सुपर 30 तो सबने देखी होगी ना, एक गोल्डन रेशियो जिसका आंसर है 1.61 एंड टेंस टू इनफाइनाइट। गोल्डन रेशियो जिसने भी मूवी नहीं दी, कभी देखने की जरूरत नहीं है, जब फ्री हो तब देख लेना। गोल्डन रेशियो का मीनिंग है कि कोई भी चीज़ में अगर ये 1.61 इसके नज़दीक उसका आंसर आ जाए तो वो चीज़ आप आंखों को देखने में अच्छी ही लगती है। अगर आप कोई भी माउंटेन पे जाए, कोई नेचुरल प्लेस पे जाए, तो उसमें ये रेशियो बनता होगा, तभी हमारी आंखों को पसंद आता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको गोल्डन रेशियो नाम दे दिया। जिस भी जगह
जो भी चीज में ए 1.6 का रेशियो बनता है ऐसा आंसर आता है, इसकी लेंथ ले लो, ब्रेथ ले लो, कुछ भी करके, तो वो गोल्डन रेशियो होता है और वो सुंदर ही होता है। हमारे जो बहुत पुराने जो आर्टिस्ट है, पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, ऐसे जो जिन लोगों ने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है ना, उसके सब में गोल्डन रेशियो बनता है, इसीलिए उन लोगों के पिक्चर्स इतनी ज्यादा कॉस्ट में बिकती है। तो गोल्डन रेशियो अगर ये हो जाए किसी भी जगह, तो वो चीज अपने आप देखने वाले को अच्छी लगती है। सो इट इज अ ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। कभी आप लोगों को हर बार मैथ्स बोरिंग लगता है, बट इज नॉट अ बोरिंग थिंग। आप अगर सोचो तो कई सारी जगह पर मैथ्स है, इवन जो आप खा उठ रहे हो, सो रहे हो, सभी जगह मैथ्स है, मैथ्स है। पर इसीलिए आपको, पर मैथ्स का सबसे हार्ड पोर्शन आपको क्या लगता है? आपको याद रखना पड़ता है। कभी हमने चार सेट के बारे में पढ़ा, तो हर एक की डेफिनेशन आनी होगी। तो कुछ अगर अच्छा दिमाग है तो चलाओ, पर मैथ्स आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ अगर पढ़ ली है ना डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और फंक्शन, तो आपको फ्यूचर में अगर डिग्री में एडमिशन लो तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना मैथ्स अच्छा लगेगा ना, उतना आपका लॉजिक पावर अच्छा होगा, आप डिसीजन मेकर अच्छे बनेंगे। इसीलिए देखो, जिसका मैथ्स अच्छा हो ना, उसका लॉजिक अच्छा होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉफिट लॉस देख के अपना डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही कूद नहीं जाते। तो हमने जो चारों सेट के बारे में पढ़ा, उस चारों सेट को हम अगर एक ही पोर्शन में ऐड कर दे तो हमें मिल जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में हमारे पास कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर भी आएगा, वॉल नंबर, इंटीजर, रैशनल, ये तो सब अपने आप में ही एक दूसरे के सबसेट है, बट इरेशनल नंबर अलग है। तो इरेशनल नंबर और ये सारे सेट मिला के हमें जो मिलते हैं वो होते हैं रियल नंबर। तो यहाँ से हमारा फंक्शन का चैप्टर स्टार्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्यों? कि हम फंक्शन में आर को यूज करेंगे, इस सिंबल को। इस आर को आपको पता होना चाहिए कि आर क्या है। तो आर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सारे पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के एलिमेंट और इरेशनल नंबर, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब का एडिशन मिलता है रियल सेट। सो इज अ रियल सेट, एक कुछ फिगर के फॉर्म में दिखाया, एन इज अ सबसेट ऑफ सेट, जेड इज सबसेट ऑफ क्यू, एन क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, और इस सब को मिला के हमें मिलता है रैशनल रियल सेट। अंडरस्टैंड? दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में आंसर देना हो, आपको इस टाइप का एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, एन इज अ सबसेट ऑफ आर, जेड इज अ सबसेट ऑफ आर, आपको यस और नो, दिस इज अ राइट या रॉन्ग, ऐसा भी आंसर पूछ सकते हैं। अगर कोई बोले एन इज अ सबसेट ऑफ क्यू, सो यू कैन से यस इट इज अ सबसेट, बिकॉज ए पॉजिटिव सारे नंबर क्यू में आ रहे हैं। अगर W इज अ सबसेट ऑफ R, राइट, बिकॉज W के जो जीरो से लेकर पॉजिटिव के सारे नंबर है वो R में आ रहे हैं। सिमिलरली Z इज अ सबसेट ऑफ R एंड सो ऑन, हर एक का सबसेट है। अगर आप कोई कन्वर्स पूछे रिवर्स के Z इज अ सबसेट ऑफ N, दैट इज अ रॉन्ग, बिकॉज Z में पॉजिटिव नंबर तो है बट N में पॉजिटिव है, पर Z में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी है, सो Z इज अ नॉट अ सबसेट ऑफ N, but N is a subset of set. So our step chapter will be start. All the focus on your screen. Don't miss a one thing. जितना भी बोलूं, जितना भी आपको during lecture में problem हो, at a point बोल देना अपना mic को mute करके, unmute करके. Otherwise अगर एक भी definition चले गई तो आपको समझने में real में problem होगी. So is a function. इसको हम विधेय बोलते हैं हिंदी और गुजराती में। मैथमेटिकली हम फंक्शन बोलेंगे। आपको मैथमेटिक्स का ही वर्ड याद रखना है, इंग्लिश वर्ड याद रखना है, बिकॉज इंग्लिश में हम जितना भी आपको पढ़ेंगे आपको इजी रहेगा समझने में। सो डेफिनेशन क्या है वो एक बार पहले देख लेते हैं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन।
इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. कुछ नया आया, कुछ अलग आया, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर एक बार डेफिनेशन को समझ लोगे ना फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर अदर वर्ड में बोले सो रिलेशन फंक्शन क्या है, पहले पहले डेफिनेशन ये पॉइंट समझ लो कि हम रिलेशन कैसे निकालते हैं. रिलेशन का मीनिंग अपनी डे टू डे लाइफ में दो बोलो, आपको आपका फैमिली के साथ कुछ रिलेशन है तो उसके बीच में कोई ब्रिज होगा ना, कनेक्टर. अब कनेक्शन बिना किसी का भी रिलेशन किसी के साथ नहीं होता, तो हमारे पास कोई कनेक्टर होता है. तो एफ का किसी भी टर्म के साथ, एफ इज अ फंक्शन, एफ को हम रिलेशन बोलते हैं. तो ए को बी के बीच में कुछ रिलेशन बता रहा है, कौन कैसा रिलेशन. आप अपने फैमिली में जाओ तो आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, ओके, किसी के कुछ भी मेंबर. कॉलेज में जाओ तो आप किसी के फ्रेंड्स हो, एनीथिंग, ओके. हमारे आप लोग स्टूडेंट हो तो हम सबका कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता है. तो इस डे टू डे लाइफ को हम मैथमेटिकल कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें फंक्शन दिखाता है. इलेक्ट्रिकल में आप जब भी आगे पढ़ने जाओगे फील्ड में, तो फंक्शन के थ्रू ही आप किसी भी पाथ को फॉलो करके एक लाइन से दूसरे लाइन पे ब्रिज बना सकते हो, कनेक्शन एक लाइन से दूसरी लाइन पे दे सकते हो. इसमें आपको फंक्शन बहुत ही हेल्प करेगा. अब कैसे डेफिनेशन देखो, हम फंक्शन दो सेट के बीच में ही निकालेंगे. अब आप किसी भी पर्सन का रिलेशन देखो तो एक व्यक्ति के साथ एक का रिलेशन, रिलेशन के लिए दो पर्सन तो चाहिए ही. तो हमें फंक्शन, अगर फंक्शन के बीच में रिलेशन निकालना है तो दो सेट तो कंपल्सरी होने चाहिए. अब उन दोनों को किसको फंक्शन बोलते हैं, कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड करे तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं, वो देखो. तो ये कहते हैं कि द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी. ए के सारे एलिमेंट आप ले लो, उसकी एक ही इमेज बी में मिलनी चाहिए. उसका मीनिंग आपको भी देखो, आप अगर मिरर में हो तो आपकी एक ही इमेज मिरर में मिलेगी ना, दो तीन तो आप नहीं दिखाई देगी मिरर में. सुबह उठे, ये स्टार्ट किया आपने अपना प्रिपरेशन, तो मिरर के सामने देखो तो आपकी एक ही इमेज होगी. तो ये कह रहा है तो अगर हम ए में से कोई भी एलिमेंट ले तो उसकी इमेज बी में एक ही मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं. अगर हम कोई बच्चे की बात कर ले तो आईने में वो एक ही दिखता है, दो तीन नहीं दिखते. हाँ, अगर हम म्यूजियम में वो जाए तो बात अलग है, तो उस म्यूजियम में तो ऐसे ऐसे टाइप के मिरर होते हैं कि हम दो तीन के हजारा दिखते हैं, ओके, सेट वो दिखते हैं. तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ यही एग्जाम्पल याद रखने हैं, अगर हम कोई एक सेट ए ले तो उसकी एक ही इमेज बी में होनी चाहिए. ऐसा अगर रिलेशन मिल जाए तो इसको हम कहते हैं फंक्शन. पहली डेफिनेशन याद रखो, दूसरी थोड़ी अलग है बट सिलेबस में लिखनी है इसलिए मैंने यहाँ बताई है. तो पहली डेफिनेशन, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में मिर्सा में पूछे तो आपको दिखाना है एफ इज अ फंक्शन, दो सेट के बीच का एक फंक्शन है, और वो रिलेशन कैसा है कि ए के सारे एलिमेंट उसकी एक ही इमेज बी में मिलनी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी इन ए. अब इसको बोलते कैसे है कि हमने ए और बी में दो एलिमेंट ले लिए, एक ए एलिमेंट है वो ए में से लिया, बी एलिमेंट हमने बी में से लिया. अब फंक्शन कैसे मिल सकते हैं, अगर एक ही इमेज एक ही हो बी सेट में तो हम बोल सकते कहते हैं बी इज अ इमेज ऑफ ए. अब इसको डिनोट करते हैं, फंक्शन को दिखाते हैं, एफ इज अ टू डॉट ए टू बी. अब इसको बोलते हैं एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी. याद रखो इस सिंबल को कैसे बोलते हैं, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी. द फंक्शन एफ ऑफ ए टू बी, इसको डिनोट एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए टू बी. इतना ही बोलते, अब थोड़ा ज्यादा हो गया. अब उसको हम पिक्चर्स के फॉर्म में देखते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं. आपको याद रखना है हमने सेट ए के सारे एलिमेंट, ये देखो एवरी वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए उसकी एक ही इमेज बी में मिलनी चाहिए. अब देखो ये डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन, ए ए में हमने कुछ एलिमेंट लिए, वन टू
सॉरी 5 6 7 8 दिख रहा है, उसमें हमने ए एरो मार्क से कुछ रिलेशन बताए, कौन से रिलेशन है अभी उसके बारे में नहीं आपको पता, पर ए फंक्शन है वही देखो। तो देखो एफ ए 5 है, उसकी एक ही इमेज बी में मिल रही है, 5 7 के साथ ही जुड़ा है, दूसरे किसी के साथ नहीं है। 6 देखो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ है, दूसरे किसी के साथ नहीं है। 7 एक ही एलिमेंट के साथ है, दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है। 8 एक ही एलिमेंट के साथ है, दूसरे किसी की एलिमेंट के साथ नहीं है। तो डेफिनेशन देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, उसकी इमेज एक ही बी में मिल रही है, बी सेट में हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, 5 की भी एक ही है, 6 की भी एक ही है, 7 की भी एक है और 8 की भी एक है। तो ऐसा अगर हमारे पास कोई फंक्शन मिल जाए उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ऐसा रिलेशन मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, फंक्शन। 5 की इमेज क्या है, 7, इसको मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं एफ फंक्शन 5 7, 5 की इमेज है 7। अब अगर 6 और 8 का रिलेशन है तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 8। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर 6 का रिलेशन है 8 के साथ है तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 8। 7 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के साथ, तो इसको हम लिखेंगे एफ 7 इज इक्वल टू 9, एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 9। देन सिमिलरली 8 का रिलेशन 10 के साथ है तो इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 10। अंडरस्टैंड? हेलो हेलो बोलो। આમાં ક્વેશ્ચન આ રીતનો જ હશે, આવી રીતના દોરેલો એ અને બી? યસ યસ, હા 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 હા, એસે અગર એ બી ના હો તો સી ડી હો સકતા હે, હા, પણ એમને આ રીતના દોરેલો હોય, હા, એમાં એમ પૂછે કે ફંક્શન કયો બરાબર છે, એફ ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ, એવું કે ને? આપકો ક્વેશ્ચન પૂછેંગે, એક મિનિટ, આપકો ક્વેશ્ચન ક્યા પૂછેંગે, દેખો, આપકો એ ફિગર દી હે, આપકો બોલે કે ચેક કરો કે ફંક્શન હે યા નહીં હે, ઓકે, ઇતના હી ક્વેશ્ચન આ સકતા હે, તો આપકો ક્યા દેખના હે कि ए के सारे एलिमेंट पहले तो यूज होने चाहिए, तो हमने देखो ये सारे यूज हो गए, ओके, यूज होने के बाद हर एक एलिमेंट एक ही बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, एक ही इमेज उसकी मिलनी चाहिए। तो 5 की एक ही इमेज मिल रही है, 7 की एक, 6 की 8, 8 की एक, तो हाँ। एक ही इमेज मिले तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं। अब एफ ओ 5 इज इक्वल टू 7, 5 की एक ही इमेज है 7, इसको हाँ। बोलते कैसे, 7 इज इमेज ऑफ 5 मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में आपको अगर ऐसे नहीं बोला एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 7 तो आपको ये भी, आप ये भी ना वर्ड बोल सकते हैं, तो 7 इज इमेज ऑफ 5, ओके, 7 किसकी इमेज है, 5 की इमेज है, ओके, पर अगर 5 को पहले बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं 5 इज अ प्री इमेज ऑफ 7, जो भी आपको वर्ड बोलना है, पर आप ये नहीं बोलेंगे अभी मैं क्या बोलूं एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 7, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे हमने मैथमेटिकल दिखाया है। अगर मैं वो पूछूं 6 और 8 का रिलेशन है तो आपको बोल, आप बोलेंगे 8 इज एन इमेज ऑफ 6, आ गया समझ में? हाँ हाँ। अगर इसके 7 और 9 का रिलेशन है दिख रहा है इसको हम कैसे बोलेंगे, 9 इज ए इमेज ऑफ 7, और 8 और 10 का रिलेशन है तो इसको हम बोलेंगे 10 इज एन इमेज ऑफ 8, 10 की इमेज क्या मिल रही है, 8। आ गया समझ में कैसे बोलना है फंक्शन की डेफिनेशन? फिर से एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, सो ऑल आर फोकस ऑन स्क्रीन, ए और बी हम जनरली बोल रहे हैं, प्योर डेफिनेशन के वर्ड में नहीं बोले, ए और बी दोनों सेट होने चाहिए, सेट में कुछ कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट पहले तो यूज कर लो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डेफिनेशन में बोला है, इसलिए द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द ओनली वन इमेज इन बी, सेट ए के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए बी में, सारे के सारे यूज हो गए, हर एक की देखो एक ही इमेज मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन। अंडरस्टैंड?
अब दूसरी डेफिनेशन देखो, उसको हमने कुछ अलग सेट के नाम देख दिए है, डोमेन और रेंज। अब ये देखो, ये पहला सेट है, हर बार पहला ही यूज, पहले को ए बोलेंगे, दूसरे को बी बोलेंगे, डेफिनेशन कनेक्ट करने। हाँ बोलो। મેમ પેલા કેસમાં 4 ની એક કઈ પ્રી ઇમેજ નથી તો આપણે ઈ ગણી શકી પ્રોપર? દેખો દેખો, વેરી ગુડ, અચ્છા ક્વેશ્ચન હે, આઈ લાઈક। અબ દેખો, હમને ડેફિનેશન મે ક્યા લિખા હે, એવરી એલિમેન્ટ ઓફ સેટ એ, એ કે હી સારે એલિમેન્ટ યુઝ હોને ચાહીએ, બી કે જરૂરી નહીં હે, ઓકે ઓકે। બી મે અગર કુછ છૂટ જાય ધેન ડઝન્ટ મેટર, બટ એ મે કુછ નહીં છૂટના ચાહીએ। ओके, ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहे और किसी एक ही एलिमेंट के साथ, ये पांच यहाँ यूज हो गया, फिर ये पांच दस के साथ नहीं जॉइन सकता, क्यों? कि इसकी एक इमेज मिल गई। आप देख रहे हैं मिरर में आपकी एक ही इमेज मिलती है, दूसरी नहीं मिलती। तो अगर एक एलिमेंट मिल गया तो उसकी दूसरी इमेज नहीं मिलेगी, अगर दूसरी इमेज मिली तो उसका मीनिंग ये फंक्शन नहीं है। अब देखो, मैं दूसरा आपको डोमेन और रेंज वाला एक एग्जांपल देखो, वो हमारे डे टू डे लाइफ में आ सकता है, फंक्शन कैसे नहीं बन सकता। ए ए बी सी डी, इसको आप चार बच्चों समझ लो, चार, कोई भी चार बच्चे हैं, चार हमने ए बी सी डी के कुछ नाम दे दिए, और ये रेंज में है ना, जो 1 2 3 4, ये उनके स्टैंडर्ड है, ओके। ये डोमेन में हमने कुछ बच्चों के नाम दे दिए, ये चार बच्चे है, और रेंज ए बी सेट है, हमने सिर्फ सपोज किया है, इसमें हमने उसके स्टैंडर्ड लिख लिए। अब पहले मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ, ये डी नाम वाला बच्चा है, वो फोर्थ स्टैंडर्ड में है, वो कह रहा है। सी वाला बच्चा जिसका नाम सी है, वो थर्ड स्टैंडर्ड में है, बी वाला बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में है, और ये कह रहे हैं भाई ए नाम वाला एक बच्चा पहले स्टैंडर्ड में भी है और थर्ड स्टैंडर्ड में है, ऐसा कभी पॉसिबल है? एक ही बच्चा दो क्लास अटेंड कर सकता है? So it is a not a function। हमारे पास इसके सारे एलिमेंट तो यूज होने चाहिए, पर एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए। तो देखो, एक ही दो इमेज मिल रही है, ये पहला बच्चा पहले स्टैंडर्ड में भी है और थर्ड स्टैंडर्ड में है, तो ये रिलेशन नहीं है। आ गया समझ में? Was the student, are you capable to understand my voice and what I'm saying? Yeah. Understood? Okay, ma'am. हाँ बच्चों, बोलो। अगर आज clear ma'am। अपना voice थोड़ा कम करो और आराम से बोलो। ओके ना, वो मेक द नेक्स्ट स्टेप। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है फिर आस्क मी, अभी सॉल्व हो जाएगा अगर पूछोगे तभी, वरना नहीं पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो। 21 स्टूडेंट आर द प्रेजेंट, अब 21 में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि मैम आप लोगों को, आई थिंक अभी मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ गया व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ नॉट अ फंक्शन। Clear? Okay, I will ask the question. Now go to the next. If function के कुछ extra example है, फिर भी मेरी तरफ से लिखे, मैंने थोड़े ज्यादा रखे कि आपको definition clear हो जाए तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। अब A और B, ये पहली जो मैं arrow बता रही हूँ वो figure देखो, ये में दो set है A और B। हमने एक को अब हर बार ए और बी सेट नहीं बोलेंगे, एक को हमने नाम दे दिया है डोमेन और बी को दे दिया है कोडोमेन। ओके, अब बोलेंगे डोमेन एंड कोडोमेन। कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ सुनाई दे नहीं रहा, दिखाई दे नहीं रहा और अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ? नो no? तो ए को बोलेंगे डोमेन, बी को बोलेंगे कोडोमेन। अब मैंने ये पहली फिगर बनाई है डोमेन और कोडोमेन की, इसके बीच ए एरो से कुछ रिलेशन बनाए है। अब डेफिनेशन फॉलो करो, डेफिनेशन का पहला स्टेटमेंट, ए और बी दो सेट होने चाहिए ए हमारे पास। दूसरा स्टेटमेंट, ए के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए,
तो देखो वन टू जी एम सारे के सारे यूज हो रहे हैं, उसके सामने बोला है कि ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, वहां उसकी एक ही इमेज सेट बी में मिलनी चाहिए। तो देखो वन की एक ही इमेज है 19, टू की एक ही इमेज है 8, जी की एक ही इमेज है ई, और एफ की एक ही इमेज है 6। सो दिस फिगर इज अ फंक्शन, क्लियर? क्लियर ना अभी? ओके अभी मैं दूसरी ये फिगर, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। अब देखो ये दूसरी फिगर है ब्लू कलर ग्रीन कलर में, अभी ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं, सोचो शांति से, हमारे पास बहुत टाइम है, डेफिनेशन को फॉलो करना। अभी डेफिनेशन तो भी दिखाती नहीं हूँ, हर बार शायद ऐसे नहीं कर सकती। हमारे पास डेफिनेशन को फॉलो करने के लिए हम पहले देखते हैं, दो सेट है तो दो सेट ले लिए। दूसरा स्टेप, ए के सारे एलिमेंट हमने यूज करने हैं, तो देखो ए के सारे एलिमेंट हमने यूज कर लिए उसके सामने बी की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट, एक एक दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए उसकी इमेज। तो देखो स्टीवन है, एक पर्सन का नाम है, उसकी एक ही इमेज मिल रही है ना, 5 शू साइज, हमने कुछ बच्चों के नाम लिए, उसकी शू साइज लिखी है, उसके चप्पल की नंबर, उसकी 5 साइज, ब्रूस उसका भी 5। तो अभी मैं इस दो बच्चों के बारे में बात करूं तो ये दोनों फंक्शन बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में फंक्शन है, यस या नो? आप लोगों को सिर्फ यस और नो ही बोलना है, हमें किसी बच्चों को पर्सनली नाम दे के बुलाओ को वही आंसर दे, या आप में से कुछ भी कोई भी दे सकते हैं। यस या नो? दिस इज द फंक्शन या नो? नो नहीं। अभी चलो अभी मैं आपको दो कौन कौन से इस कौन कौन से हमारे पास ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके बारे में भी देखती हूँ, कौन कौन से बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुड्डू, यस मैम। गुड्डू यू कैन अंडरस्टैंड? यस यस नो यस या नो, दोनों एक साथ? नो वो अच्छा है, नो नो यू डोंट गुड, क्या मैं क्या कौन सी बात कर रही हूँ, फंक्शन क्या है, समझ आ रहा है या नहीं? कौन सी बात नहीं समझ में आ रही हो? अरे पूछो। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर ये क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं आ रहा ऐसा? यस यस वेरी गुड, अच्छा अच्छा है, आप एक्सेप्ट कर लो तो मैं आप पता चले कि कहाँ नहीं आप समझ में रहे हो। अब देखो इस ए जो ग्रीन वाली फिगर है इसको भी हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं, अब नीचे के एग्जांपल में जाते हैं। ये तो हमने अभी देख ही लिया था, आगे भी ये तो फंक्शन ही है। अब ये देखो, ये जहां जीरो मैंने रखा है, ए थ्री इसकी एक इमेज है 0, माइनस 1 इसकी एक इमेज है 2, 0 उसकी एक ही इमेज है 2, 1 उसकी एक इमेज है 4, 5 उसकी एक ही इमेज है 3, तो ये फंक्शन ही हुआ ना, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रही है। तो यहाँ भी स्टीवन ब्रूस ये सब बच्चे हैं, उसकी उसकी शू साइज गिवन है, तो स्टीवन की भी 5 हो सकती है, ब्रूस की भी 5 हो सकती है ना। अब 10 बच्चों लो तो किसी 2-3 की तो शू साइज मिलेगी ही, उसका मीनिंग देखो, एक एलिमेंट एक ही के साथ बी के एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा है, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पहला सेट के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, ए एग्जांपल देखो सारे यूज हुए, ये भी देखो सारे यूज हुए, हियर एंड हियर ऑल्सो हियर, हर एक की तुम एम कहवा मांगो छो के बे प्री इमेज होई एक इमेज में लागी सके? दूसरी में अब देखो 2.4 की फिगर भी एक बार देख लो, 2-3 साथ में पढ़ा रही हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन रखना।
ये दो फिगर, एक ग्रीन वाली और 2.4, ये पांच एलिमेंट यूज हो गए, यहाँ तीन एलिमेंट यूज हो गए, इसकी एक ही इमेज यहां मिल रही है 5, यहां भी एक, यहां एक ही इमेज मिल रही है अली, बी की दो इमेज है, बी भानु और बी ऑनी बिनोय, इन दोनों के साथ कनेक्टेड है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिल सकती, मैंने पहले ही बोला था, एक के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज मिलनी चाहिए, तो स्टीवन की एक ही इमेज है, ब्रूस की भी एक ही इमेज है, एडवर्ड की भी एक ही इमेज है, सैली की भी एक इमेज है, और मैं इसकी भी एक ही इमेज है, बट यहाँ 2.4 में एक ए एलिमेंट है, इसकी एक इमेज मिल रही है, ओके? अब ये जो थे बानु और बिनोय, उन दोनों की एक इमेज, ये एक एलिमेंट दो एलिमेंट के साथ जॉइन है बी के, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, ये जो पहला सेट है डोमेन, उसके एक ही एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, दो इमेज की नहीं मिलनी चाहिए, तो बी की दो एलिमेंट के साथ ये रिलेशन बना रहा है, तो एक गलत मैडम। यस बोलो, ग्रीन रिव में स्टीवन पांच मां से बराबर, અને બ્રુસે 5 માં છે, તો ઈ ફંક્શન કેસા ચલેગા? હા હા, યે એ ફંક્શન હે, ક્યું પણ ખાલી સ્ટીવન નું 5 અને 6 માં હોય તો ના થા, તો નો થાય ને, સ્ટીવન અગર 5 કે સાથ ભી હોતા ઓર 6 કે સાથ ભી હોતા યા 7 કે સાથ ભી હોતા તો વો ફંક્શન નહીં હે। હા, અને ઈ એમાં 6 એક બાકી રહી ગયા વપરાવાના, તો એમાં કઈ ફેર નો પડે ને, ચલેગા। अने उसके बी में कुछ एलिमेंट रह जाए तो उसको कोई भी आपको जरूरत नहीं है, रहने दो, पर ए के सारे यूज होने चाहिए, और जो सारे यूज हुए उसकी एक ही इमेज हमारे पास बी में होनी चाहिए। आ गया समझ में? हाँ। ओके, तो ये सारे पांचों के पांचों हर एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, ये पांच के साथ है, ये पांच के साथ है, एडवर्ड सैली और सिमिलरली, ये देखो ए है, उसकी एक इमेज मिली ए बी अली, बी की दो मिली, अभी दो तो पॉसिबल नहीं है, मैंने फंक्शन स्ट्रिक्टली बोला था उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तो बी दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारी 2.4 इज नॉट अ फंक्शन, बाकी के चार फंक्शन है बट ए फंक्शन नहीं है। आ गया समझ में, कौन किसको फंक्शन बोलते हैं, किसको फंक्शन नहीं बोलते? पहले जो सेट है उसकी दो इमेज मिलनी नहीं चाहिए, अगर मिले तो वो फंक्शन नहीं है, चेक करो फंक्शन या नॉट। एम क्या हुआ बच्चों? हेलो मैम, मैं ये बोल रहा था, जैसे ए जो एलिमेंट है ना, हाँ हाँ, ए जो एलिमेंट है, बोले तुम कुछ भी बोल, हाँ हाँ, उस जो जो पहला सेने है ना उसको ए बोलो, दूसरे को बी बोलो, ए डोमेन है और को डोमेन है, ए ने बी छे बराबर फंक्शन में। अभी मेरे पास इतने, हमारे पास बोर्ड तो नहीं है, तो मैं हर एक को ए और बी दिखाऊं। यस वो नहीं मैम, मैं पिछले वाले में क्लियर करना चाहता था। हेलो ओके बोलो, जैसे पिछले जो फिगर है अभी ये फंक्शन एलिमेंट, जी जी, जैसे ये ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला, शांति से बोलो, हमारे पास पूरा टाइम है, हाँ ब्लू वाला, चलो ये मैं ये बोल रहा था, एक एक के जितने भी एलिमेंट है ना उसमें एक ही में, मतलब एक ही अंक में होना चाहिए, और बी में अगर दो में भी हो जाता है, एक अंक के दो में भी कनेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई बात हो गए ना, पर एक ही एलिमेंट दो नहीं होने चाहिए बी में,
अभी मैं बता के देखो, ये हमारा पहला सेट है ए, ओके, ये जो मैंने एरो बताया ना वो फिगर देखो, आसानी से समझ आ जाएगा नंबर। ये हमने ए के एलिमेंट लिए है ए वन, ए वन हमने 90 के साथ ज्वाइन किया, अब हम वन को 6 के साथ भी ज्वाइन करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं करना है फंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार, ओके। एक एलिमेंट एक ही साथ होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। अब आप लोगों को दिख रहा है कि मैम यहाँ तो दो एलिमेंट है, पर एक ही नंबर की बात करो, सेवन है, ये पांच के साथ ही ज्वाइन है, पांच के अलावा किसी के साथ ज्वाइन है नहीं है, तो वो फंक्शन है। फिगर 2.4 में जैसे बी जो है दो के साथ ज्वाइन है तो ये फंक्शन होगा, कौन सा बी, दो में नहीं, फिगर 2.4 यस बोलो, इसमें जैसे बी जो है दो के साथ ज्वाइन है तो ये फंक्शन होगा, ए नहीं है, वही तो, के साथ ज्वाइन होना चाहिए, जो ए यहाँ देखो सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन है तो ये सारे फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है 2.4, स्पेशल इसलिए मैंने इसको बारे में बोला, ये फंक्शन नहीं है, क्यों, के बी दो एलिमेंट के साथ ज्वाइन है, ओके। अभी ये देखो पहला स्टीवन ए पांच एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन है ना, तो ये फंक्शन है। दूसरे अभी दूसरे एलिमेंट के बारे में बोले तो ब्रूस एक ही एलिमेंट के साथ ज्वाइन है, ये पांच के अलावा किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, ये फंक्शन है। पर ये बी, ये देखो ये अली के साथ रिलेशन बना रहा है, बट बी विनय के साथ और भानु दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, इज रॉन्ग। यू गॉट इट या नॉट, अभी कुछ दो एग्जांपल दू बच्चो, यस मैम, ओके, नो नहीं समझ में फंक्शन आ गया, तो चलो अभी नेक्स्ट इसके एग्जांपल ही है। अभी 5 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ, 5 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फिर जिसका नाम बोलू वो उसका आंसर देगा, ओके। जिस फिगर पे मैं एरो रखूंगी आपको वो बताना है कि फंक्शन है या नहीं है, पर नाम मैं अपने आप से लूंगी कि कौन से बच्चे को कौन सा आंसर देना है, तो 5 मिनट हम यहाँ रुकेंगे, सिर्फ 5 ही मिनट, उससे ज्यादा नहीं मैं टाइम दूंगी, ओके। ये फिगर देखो कौन सा फंक्शन है या नहीं, आपको के या नहीं है इतना ही बताना है, तो जिस समय डेफिनेशन क्लियर हो जाए, ओके। देखो अच्छी तरीके से, ये थोड़ी स्क्रीन अभी छोटी कर रही हूँ, चलो बड़ी ही रखो। अभी बच्चों प्रेजेंट में भी जरा ध्यान दे दो, नंबर वन प्रेजेंट मैम, ओके, नंबर टू, टू नंबर नहीं है, छे मैडम पण माइक म्यूट छे, એને પોતે મને તો સાંભળી શકે છે ને, એનું ભલે ને માઇક મ્યુટ હોય, કોણ છે ત્યારે આશીષ કહાં થે, नंबर टू नहीं है, थ्री नंबर, यस, नंबर फोर, फाइव, यस मैडम, यस मैडम, फाइव, फाइव, ओके। सुन तो रहे हो ना बच्चों, अभी देख नहीं रहे हो तो सुन तो रहे हो मुझे, सिक्स नंबर, सेवन, हाँ हाँ, एट, हाँ हाँ, क्या कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, सिक्स, एट, एट, सेवन नहीं है, सेवन नहीं, ओके, नाइन नंबर, नंबर नाइन, रिजल्ट, टेन, 11 present
नंबर टेन यार, नंबर ट्वेल्व नंबर यस, थर्टीन यस, फोर्टीन एक ही बोल रहे हैं यस, फिफ्टीन फिफ्टीन नंबर, सिक्सटीन सेवेंटीन यस, सिक्सटीन यस, एटीन नाइनटीन नाइनटीन प्रेजेंट, ट्वेंटी प्रेजेंट मैम, ट्वेंटी प्रेजेंट, ओके ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू नंबर, ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स मैम, यस मैम, ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मैम, हेलो मैम, ट्वेंटी टू सेवन सिक्स कौन सा नंबर, ट्वेंटी सिक्स मैम, ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू मैम, सेवेंटी टू ना, ट्वेंटी टू वाइस, ट्वेंटी टू ओके, ट्वेंटी सिक्स तो राजी बोल लो, कहाँ ट्वेंटी थ्री यस मैम, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री है ना, यस मैम, ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स यस मैम, कौन सा नंबर, ट्वेंटी सिक्स हो गया, प्रेजेंट मैम थर्टी थ्री ओके, अभी कोई बाकी है, थर्टी फोर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए अपनी स्क्रीन पे, थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव करती हूँ, पता चले कि कितने प्रेजेंट है बच्चे, 21 प्रेजेंट है ओके, अब एक मिनट, जिसको नाम बोलो वो उसका नंबर बोलो, आशीष नंबर बोलो अपना, आशीष कुमार, अनीश कुमार, अनीश यस मैम, नंबर बोलो 26, अच्छे बच्चे, तो मेरे बात ही मत करो, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिखो, गलत मत होना, तो ये आज का आपका होमवर्क है, चेक करो इज अ फंक्शन या नॉट, हो गया क्वेश्चन के आंसर बच्चों, मैं सब कुछ थोड़े दिन के लिए ऐसे ही पढ़ना है मैडम, तो पहले से कंटिन्यू बोलो ना बच्चों, तेलू ने बीजू फंक्शन छे बाकी एक ही नहीं, अरे ते कही दी तू बताने अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक सारी फिगर ड्रॉ करो, मैं आपको कल पूछूंगी, अभी आप दे रही हूँ, ये पहला क्वेश्चन, सिक्स फिगर ड्रॉ करो, आपका मेन हेडिंग है, ये फंक्शन है या नहीं चेक करो, या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लो, आज का ये होमवर्क है, 34 नंबर स्लाइड, थैंक यू मैडम, 35 नंबर आल्सो टेक योर स्क्रीनशॉट, आप थैंक यू ही, अभी ये भी चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है, और ये सब कुछ अपनी फेसबुक में लिखना है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, हाँ यस मैम, ओके वेरी गुड, अभी आप लोगों के दो होमवर्क है, ये पहला
छह फिगर, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने होमवर्क है आपको चेक करने हैं। इट इज अ फंक्शन एंड मोर, हो जाएगा ना? ओके यस मैम। मैडम हाँ मैं पहला बेच छे બીજું નથી એલા તું જ કહી દે બધું પેલું નથી પેલામાં બે કેમ આ હે જોજો પેલું નથી હા પેલું નથી ખાલી બીજું છે બીજું નથી ભાઈ એક હે એક્સ ને વાય વાળું બીજું નથી હો આ ઉજે તારો માઈક બંધ કર 1 2 3 4 5 વાળું છે સર નો લેક્ચર ચાલુ થઈ ગયો કદાચ લીવ કરો ભાઈ લીવ કરો હાલો નીકળો નીકળ કેમ નીકળાય બાર કેમ જોવાય એટલે ઉપર હોય પ્રિન્સ યોગ્ય કોઈ યોગ્ય હોય